आकाश ग्रुप के खिलाफ जैसे ही कुछ लोगों ने आवाज बुलंद की तो उसके तुरंत बाद अन्य लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया और आकाश बिल्डर के द्वारा की गई हेराफेरी को सामने लाने लगे हैं। मंगलवार को लगने वाले तहसील दिवस में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि काठ रोड स्थित आकाश रेजिडेंसी और मधुबनी एक्सटेंशन मिश्रित कॉलोनी के बिल्डर द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी का रास्ता निर्माण किया गया, जिसके बारे में एमडीओ को भी बताया गया, लेकिन रास्ते को बंद नहीं किया गया है। लोजपा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि एमडीए की जमीन पर कब्जा किया गया है और रास्ते का निर्माण कराया गया है, जो गलत है। ये सिर्फ फायदे के लिए किया गया कार्य है। जिला अध्यक्ष ने मांग की है कि रास्ते को तुरंत बंद कराया जाए और एमडीए की जमीन को मुक्त कराया जाए। तहसील दिवस के मौके पर आपने अपनी शिकायत दर्ज की है, क्या शिकायत थी आपकी? तहसील दिवस में हमने जो शिकायत दी है, महेश अग्रवाल और आकाश रेजिडेंसी जो मधुबनी पार्क के पीछे को बनाया गया है, उन्होंने एक आकाश रेजिडेंसी और मधुबनी कॉलोनी जो रास्ता मिश्रित बनाया है वो अवैध रूप से बनाया गया है। जो एमडीए एक लिख करके दे चुका है कि आवंटित मकान को तोड़ करके रास्ता नहीं बनाया जा सकता, ये आरटीआई में खुलासा हो चुका है, लेकिन इन्होंने दो मकान एमडीए आवंटित को तोड़ करके रास्ता अवैध रूप से बना दिया है, जिसकी हम शिकायतें आने के बाद संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं। अब लगता है कि मिली भगत लेके होने के कारण इन्होंने दोबारा से नक्शा बना करके दोनों तरफ को रास्ता दर्शाया जा रहा है। जो नक्शे हमने अभी आपको दिखाए हैं, एक नक्शे में दोनों तरफ को रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि पहले नक्शे में कोई रास्ता मधुबनी पार्क की तरफ को नहीं है, आदर्श कॉलोनी की तरफ को वास्तविक इनका रास्ता है। ये उपभोक्ताओं को, जिसका उपभोक्ता मंत्रालय हमारे पास है, उपभोक्ताओं को ये गुमराह कर रहे हैं, अन्य अधिकारियों को ये गुमराह कर रहे हैं कि आदर्श कॉलोनी का रास्ता इधर को है, उसका आकाश एजेंसी और मधुबनी कॉलोनी का रास्ता इधर को है। एक तरफ आरटीआई में ये भी खुलासा कर रहे हैं कि यह आकाश मधुबनी कॉलोनी आकाश एजेंसी को स्वीकृत नहीं है इधर को, आरटीआई में ये भी खुलासा कर रहे हैं जो बात किया आरटीआई है, और उसमें रास्ता दोनों तरफ को बता रहे हैं, जबकि रास्ता उनका एक ही तरफ को वास्तविक है, आदर्श कॉलोनी की तरफ को। हमने इसलिए आज तहसील दिवस में दिया है ताकि इस पर कार्रवाई हो, वो कार्रवाई नहीं होती है तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने समय मांगा है, लेटर भी जारी कर दिया है, समय वहाँ से आते ही इनको सारे कागजातों को जो हमने पूरी फाइल तैयार की है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसको रखेंगे। तो आज तक ये मिली भगत होने के कारण एमडीए की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, इतनी हमने लिखित शिकायतें दी हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं, वो कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।